हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम जयंती आज मनाई जा रही है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि परशुराम अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, इसके बावजूद उन्होंने अपनी माता की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि की चौथी संतान थे। वो आज्ञाकारी होने के साथ साथ उग्र स्वभाव के भी थे। भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी कि वो अपनी माँ का वध कर दें। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार तुरंत अपने परशु से अपनी माँ का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। ऐसा देख भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद खुश हुए और भगवान परशुराम के आग्रह करने पर उनकी माँ को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन इस कृत्य से भगवान परशुराम को मातृ हत्या का पाप भी लगा, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद ही उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने परशुराम को मृत्युलोक के कल्याण के लिए परशु अस्त्र प्रदान किया था, इसलिए वो बाद में परशुराम कहलाए। हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दान देने, पुण्य कर्म करने और स्वर्ण खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय नहीं होता तथा इस दिन खरीदा गया स्वर्ण पीढ़ियों तक बढ़ता ही रहता है। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना काल बना हुआ है और इस कोरोना काल का असर हर तीज त्योहार पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में लोग घर पर रहकर ही सब त्योहार मना रहे हैं। साथ ही साथ त्योहारों पर ऑनलाइन शॉपिंग करना भी लोगों को काफी फब रहा है। ऐसे में सोना चांदी भी लोग ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं और ऑनलाइन विकल्प को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं।